अग्रवाल भवन ट्रस्ट एवं आर्य नगर व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को अली नगर स्थित अग्रवाल भवन में निःशुल्क कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में व्यापार कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप दूर होने की वजह से बहुत से नागरिक कैंप तक नहीं पहुँच पाते थे और वैक्सीनेशन से वंचित रह जाते हैं। लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्य नगर में वैक्सीनेशन कैंप को शुरू किया गया है। इस कोरोना महामारी में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के सफल नीतियों के कारण ही जनता को सीधे निःशुल्क वैक्सीनेशन का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, दीपजी अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, संतोष राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, यहाँ पर 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन लगभग पूरा हो चुका है और अभी बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग वापस भी जा रहे हैं। तो बहुत प्रयास के बाद यहाँ अपने अग्रवाल भवन में, आली नगर में, आपके जाफरा बाज़ार में भी सेंटर बहुत दूर है, दीवान बाज़ार, अली नगर, हजारीपुर, ये सब जो है काफ़ी दूर के एरिया में, यहाँ पर कोई सेंटर नहीं था। तो एक मैंने बात करके उसको CMO से किसी तरह से रिकमेंडेशन करा के यहाँ पर आज कोविड का जो है, कोविशील्ड का जो है, उसमें 18 से 44 लोगों का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों यहाँ पर लग रहा है। और एक बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पर, इधर के एरिया के लोगों को बहुत राहत मिल रही है इससे। तो हम चाहेंगे कि भी आज करीब करीब 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अभी काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि एक जो एक दिन और लग जाएगा तो लोगों को लाभ मिलेगा और आप लोगों के माध्यम से काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। आप इससे प्रचार प्रसार लोगों कर रहे हैं और हर आदमी को अपना बचत करना चाहिए, टीका लगा करके बचत करनी है। सबका अधिकार है कि टीका लगवावे, सरकार निःशुल्क टीका लगा रही है। तो हम सबका दायित्व तो होता है, कर्तव्य होता है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित करें और टीका ज़रूर लगवाएं। ऐसा मेरा जो है सबसे आग्रह है, सुझाव है, और आपके माध्यम से मैं इस बात को सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो छूट जाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था जी? जो छूट जाएंगे आज टीकाकरण में? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि एक बार और एक दो जो भी लगेगा उन लोगों को भी आज हम बात करेंगे CMO साहब से कि कल भी अगर कंटिन्यू कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी सेंटर हैं लेकिन वो दूर दूर पर हैं, लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। इसके पहले भी मैंने 4-5 सेंटरों पर निरीक्षण किया था, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट अच्छा था, लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन इस एरिया में दीवान बाज़ार, अली नगर, हजारीपुर, आसपास के जो बेल्ट हैं, ये सब में कहीं कोई कोविड सेंटर नहीं है। दीवान बाज़ार भी जो है यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ पर भी इंजेक्शन लगाने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने प्रयास करके जो है अग्रवाल भवन में किया है और ये करवाए हैं। तो ये हम चाहते हैं कि जो है एक दिन और लग जाएगा तो लोगों को, मतलब जो छूटे लोग हैं उन लोगों को हो जाएगा।